हेलो डी स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपडेट्स आ रही है। आइए अपडेट्स को जानने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी संबंधित किसी भी जानकारी को आप तुरंत वहाँ से पा सकते हैं। बच्चों आइए आज की इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। जो आज यूनिवर्सिटी से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये आज की जो इन्फॉर्मेशन वो एग्जामिनेशन फॉर्म से है। जी हाँ बच्चों, एग्जामिनेशन फॉर्म, जैसा हमने आपको पहले से ही बता चुके हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को नहीं भर पाए हैं। तो जो बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा था, वो उन्होंने हमारे वीसी निर्मला एस मौर्य मैम के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैम हमको एक बार फर्दर मौका दिया जाए कि हम अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सके। और जो आपका एग्जाम चल रहा है, आप सबको मालूम है यूनिवर्सिटी में इस टाइम एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। अगर एग्जाम की बात करें तो यूजी अगर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब से स्टार्ट है, 24 मार्च से स्टार्ट है। और जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर की एग्जाम है वो कब से स्टार्ट है, 28 मार्च से स्टार्ट है। और अगर हम पीजी की बात करें वो कब से स्टार्ट होगा, 18 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ये आपके एग्जामिनेशन डेट हो गए, ठीक है। तो उन्होंने बच्चों ने कहा कि मैम हमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, हम एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जिससे आपकी मुख्य परीक्षा में हम लोग सम्मिलित हो सके। तो मैम ने कहा था कि हम आपको जो भी हेल्प हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। तो कल आप कह सकते हैं एक ऑनलाइन मीटिंग विशी मैम के द्वारा किस परीक्षा समिति, आप कह सकते हैं जो परीक्षा समिति थी, परीक्षा समिति के बीच हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि वहाँ पे वीसी मैम ने क्वेश्चन किया, क्या जो बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया है, हम क्या उनको एक मौका दे सकते हैं जिससे वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर के परीक्षा में सम्मिलित हो जाए, और अपना जो क्या करना है पेपर नहीं दे पाएंगे तो उनका जो साल बर्बाद होगा, तो क्या उसको हम कवर कर सकते हैं। तो परीक्षा समिति ने मैम के इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया। परीक्षा समिति ने बोला कि मैम हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि जो एग्जाम यूजी फर्स्ट सेमेस्टर आज 24 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है और आज लगभग 3 अप्रैल हो गया है, तो 3 अप्रैल इस बीच लगभग यूजी की फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कंप्लीट होने वाले हैं। और बात करते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें बहुत से एग्जाम बच्चों के हो चुके हैं। अब जो जो एग्जाम हो चुका है, अब इन बच्चों को फर्दर मौका देने पे हमको सारे एग्जाम रिकंडक्ट कराना पड़ेगा, मतलब दोबारा एग्जाम हमें कराना पड़ेगा, जिससे यह पॉसिबल नहीं है, कि हम फिर से एग्जाम कंडक्ट कराएं, इसलिए इन सब बच्चों को हम फर्दर मौका नहीं दे सकते। तो जी हाँ बच्चों, ऐसे बच्चे जो अपना एग्जामिनेशन कर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं, अब ऐसे बच्चों को अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो कल आपके बीच मैम ने आपका रिक्वेस्ट के अनुसार आपसे या अपनी परीक्षा समिति से यह क्वेश्चन किया, वहाँ पे ऐसा पॉसिबल होना मुश्किल बताया गया कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बच्चों अब आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, अब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा पाएगा, ना ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा और ना ही आप एग्जाम दे पाएंगे। आपके लिए अब क्या होगा, आप अब नेक्स्ट ईयर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरिएगा, फिर से फर्दर पेपर में सम्मिलित होइएगा। तो बच्चों यही पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बड़ी अपडेट्स आ रही है। तो सभी बच्चे, जैसे जो बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए, ना ही उनका एडमिट कार्ड जारी होगा, ना वो एग्जाम दे पाएंगे। और ये परीक्षा नियंत्रक बीएन सिंह सर के द्वारा सख्त निर्देश है, ऐसे बच्चे जो अपने एडमिट कार्ड के एग्जाम देने आए उनको परीक्षा में सम्मिलित मत होने दीजिएगा। तो बच्चों ये कहा जा सकता है आप लोग को अब अगले साल ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा, क्योंकि कल आखिरी मौका था जिसमें मैम के द्वारा यह आपकी बात उठाई गई। तो बच्चों वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फर्दर हम किसी भी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।